मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। बोले कंपनी ने फेक अकाउंट्स की जानकारी नहीं दी, अब देने होंगे 7.9 हजार करोड़ रुपए। टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने शुक्रवार को ट्विटर खरीद डील कैंसिल कर दी। 44 अरब डॉलर की इस डील को खत्म करते समय मस्क ने कहा, कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेक या नकली ट्विटर अकाउंट से जुड़ा डेटा मुहैया कराने में नाकाम रही है। वहीं ट्विटर बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टाइलो ने कहा कि हम समझौते को लागू कराने के लिए कोर्ट जाएंगे। मस्क के डील कैंसिल करने के बाद ट्विटर के शेयर में 6% की गिरावट आई है। ट्विटर और मस्क के बीच हुए खरीदी समझौते के मुताबिक अगर डील कैंसिल की जाती है तो इस स्थिति में शर्तों के तहत मस्क को 1 अरब डॉलर 7.9 हजार करोड़ रुपए की ब्रेकअप फीस देनी होगी। लेकिन मस्क केवल ब्रेकअप फीस देकर बच नहीं सकते। समझौते में एक ऐसा प्रावधान शामिल है जो मस्क को डील पूरा करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अब मस्क और ट्विटर के बीच लंबी कानूनी लड़ाई खिंच सकती है। पिछले महीने ही मस्क ने धमकी दी थी कि अगर यह साबित नहीं होता कि ट्विटर के कुल यूजर्स में से 5% से कम स्पैम अकाउंट हैं, तो वह डील वापस ले लेंगे। मस्क के वकील ने कहा कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर फेक या स्पैम अकाउंट से जुड़ी जानकारी मांगी गई, जिसका जवाब नहीं दिया गया या मना कर दिया गया। ट्विटर ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और गलत जानकारी दी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।